अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया। किसका डेरिवेटिव फाइंड किया? डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू द पावर एक्स, और उसका आंसर किसकी इक्वल आया था? ई रेज टू द पावर एक्स की ही इक्वल आया था, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट इसमें क्या था? फंक्शन हमारे पास सही देखें ए रेज टू द पावर एक्स, तो हमने ए की जगह ई को पुट कर दिया। अगर हम ए को ए ही रहने दें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या बन जाएगा? वाई इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एक्स। तो हम अगर ई के अलावा कोई भी ए आ जाए लेट से, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा वो हम चेक करेंगे। नाउ इसको हम टू से शो कर देते हैं कि अगर वाई को हम ए रेज टू द पावर एक्स ही कंसिडर करें तो तब इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या आएगा। ई के केस में तो हमने देखा कि ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो ई की पावर एक्स ही आता है। तो अगर हम ई को छोड़ के ए को चेक करें, ए मतलब कोई भी आपके पास वैल्यू होगी ग्रेटर देन जीरो बट नॉट इज इक्वल्स टू वन, तो देखते हैं कि इसका क्या आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई है, इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वाई प्लस डेल्टा वाई यहां से ए, एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये आ जाएगी टू, सब्ट्रैक्शन करेंगे सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम इक्वेशन टू, तो वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एक्स कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा वाई विल बी इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर एक्स, ए रेज टू द पावर एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए रेज टू द पावर एक्स, इसकी इक्वल आ जाएगा। सेम स्टेप जिस तरह हमने उधर किया था, इसमें भी हम ए रेज टू द पावर एक्स को लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एक्स इंटू ए रेज टू द पावर डेल्टा एक्स, ये आ जाएगा ए रेज टू द पावर एक्स। अच्छा, अब यहां से जो है ए एक्स को कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने से ए रेज टू द पावर एक्स कॉमन लेंगे तो पीछे बच जाएगा हमारे पास ए डेल्टा एक्स माइनस वन के। अच्छा, अब ये सिंप्लीफिकेशन हो गई है, अब डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विल बी इक्वल्स टू ए एक्स, ए डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप करने के बाद अब लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स, ए डेल्टा एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये इक्वल आएगा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के। और यहां पर जो है लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ए डेल्टा एक्स, और ये डेल्टा एक्स, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब डी वाई बाई डी एक्स ए रेज टू पावर एक्स व्हेन लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो ये ए एक्स के ही इक्वल आएगा, ठीक है। ये किसकी इक्वल आएगा? ए एक्स के ही इक्वल आएगा। और ये जो हमारे पास लिखी हुई ना, ये सारी वैल्यू जो है इसकी जो वैल्यू है ना, ये लिखा जाता है नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखा जाता है, ठीक है। यहां मैं रीजन में लिख भी देता हूं कि लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो ए एच माइनस वन डिवाइडेड बाय एच इज इक्वल्स टू log of a to the base e, जिसको लिखा जा सकता है natural log of a के, ठीक है। फर्क क्या है कि पिछले में हमारे पास a की बजाय e था, तो natural log of e वन होता है, ठीक है। यहाँ a जो है वो constant इसी तरह से आएगा, तो इसलिए हमारे पास ये जो natural log है ये as it is आएगा। पिछले में क्या था, इधर आएगा natural log of e, तो natural log of e जो होगा वो वन की इक्वल होता है। तो इधर तो चूंकि a से मतलब e नहीं है, कोई भी constant value है, तो ये अपनी जगह पर as it is आ जाएगी, ठीक है। और ये रिजल्ट आपने इस तरह से यूज करना है कि अगर आपके पास ये वाला लिमिट आ जाए तो वो क्या आएगा, लॉग ऑफ ए टू द बेस ई आएगा। और इस चीज को ना लॉग ऑफ ए टू द बेस ई को लिखा जाता है नेचुरल लॉग ऑफ ए लिखा जाता है। तो यहां से आपके पास क्या हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ
एक्स इक्वल आ गया एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए के इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया। अच्छा, अब जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है कि अगर वाई इक्वल आ जाए ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन के, ये फर्स्ट पार्ट है। और इसका सेकंड पार्ट है कि वाई इक्वल आ जाए ए रेज टू द पावर स्क्वायर रूट एक्स। तो दोनों केसेस में डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड करेंगे? फाइंड हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। तो बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नंबर पे वाई इज इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, डिफरेंशिएट, चलिए इसको वन कह देते हैं, डिफरेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी ओवर डी एक्स ई रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन। अच्छा, इसको जो इसका जो डेरिवेटिव है ना, अभी हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा और डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा, ठीक है। रीजन क्या है कि अभी हमने कहा कि डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स जो है वो इक्वल आता है ई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स के, ठीक है। वहां हमने उस वक्त एक्स इसलिए नहीं लिखा कि अंडरस्टूड सी बात है कि एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन ही होता है, तो लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां चूंकि अब एक्स स्केयर प्लस वन है तो उसका डेरिवेटिव आपने लाजमी साथ लिखना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ई के पावर एक्स का मतलब ई के पावर एक्स और एक्स का डेरिवेटिव, तो ई के पावर एक्स स्केयर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा, ई रेस्ट टू पावर एक्स के प्लस वन और एक्स के प्लस वन का डेरिवेटिव दोबारा से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बनेगा डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स एक्स स्केयर प्लस वन। एक्स स्केयर का जो डेरिवेटिव है पावर रूल अप्लाई करने से टू एक्स आएगा और वन जो है कॉन्स्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा जीरो। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई एक्स स्केयर प्लस वन, ई एक्स स्केयर प्लस वन, और यहाँ पे टू एक्स प्लस जीरो का मतलब होगा टू एक्स। तो यहाँ से आपके पास डी ओवर डी एक्स, वाई का हमारे पास किस इक्वल था, ई एक्स स्केयर प्लस वन, ई एक्स स्केयर प्लस वन का डेरिवेटिव जो है वो ई एक्स स्केयर प्लस वन इंटू टू एक्स। यहाँ आपके पास जो डेरिवेटिव है कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट था इस एग्जाम्पल का वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।